बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के ही पहले आंदोलनों में से एक था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में अपने सहयोग का जिक्र क्या किया? भारत में बैठे कुछ लोगों के दिल जल गए। बांग्लादेश को आजाद देश बनाने का श्रेय सिर्फ खुद को ही देने वालों के कलेजे पर सांप लौट गए और मोदी के इस वाक्य को झूठ ठहराने का सिलसिला चल पड़ा। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। मगर सांच को आंच क्या? 1978 में गुजराती भाषा में प्रकाशित इस किताब का पिछला कवर देखकर ही शायद ऐसे लोगों को मायूस होना पड़ जाए, क्योंकि पीएम मोदी के इस दावे की तस्दीक तो इस किताब के कवर से ही हो रही है। गुजराती में प्रकाशित इस पहली किताब का लोकार्पण गुजरात के ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया था। बैक कवर पर मोदी की तस्वीर है और चौथे पैरा में लिखा है, आपातकाल के 20 महीने सरकारी तंत्र की नाकामयाबी को साबित करते हुए भूगर्भ में रहकर काम किया और संघर्ष प्रवृत्ति को चलाए रखा। इससे पहले बांग्लादेश के सत्याग्रह के समय तिहाड़ जेल होकर आए। ऐसा नहीं है कि मोदी ने बांग्लादेश के निर्माण का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ना दिया हो, लेकिन मोदी ने अटल जी का नाम कैसे ले लिया, जनसंघ का जिक्र कैसे कर दिया, अपनी भूमिका के बारे में क्यों बता दिया? क्योंकि सालों साल कांग्रेस की सरकारों ने तो ऐसे इतिहास उजागर ही होने नहीं दिए। सच्चाई को परखने के लिए एपी से लिया 25 मई 1971 का बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में जनसंघ की रैली का ये वीडियो है। बांग्लादेश लिबरेशन के सत्याग्रह में हजारों आरएसएस स्वयंसेवकों जेल भेजे जाने की 1971 की अखबारों में छपी खबरें हैं। अटल जी की अगुवाई में बांग्लादेश की मान्यता के लिए निकाली गई विशाल रैली के सबूत हैं। 2015 का वो दृश्य भी याद कीजिए जब बांग्लादेश ने अटल जी को इसी सहयोग के लिए सम्मानित किया था और जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे। उस वक्त भी पीएम मोदी के योगदान और तिहाड़ जेल भेजे जाने की खबरें छपी थी, मगर आज जब मोदी ने खुद बांग्लादेश जाकर इसका जिक्र कर दिया तो पेट में दर्द होने लगा। गजब की मानसिकता है इतिहास पर भी अपना कब्जा कर लेने की।